हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके साथ साथ हम अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान कैसे रख सकते हैं, सो डैट जब भी हम इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करके बाहर आएँ तो हम एज अ बुक वॉर्म बाहर ना आएँ, हम एज एन ऑलराउंडर बाहर आएँ। सो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है और कैसे हम अपने शेड्यूल को ऑल्टर कर सकते हैं सो डैट हमारी फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा राइट पोस्चर क्या होना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि राइट पोस्चर बहुत ज़रूरी है पढ़ते हुए। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे सिटिंग दे रहे हैं। अगर हमारा पोस्चर सही नहीं होगा तो हमें लोअर बैक पेन, हमारे स्पाइन में दिक्कत आ सकती है, हमारे स्पॉन्डेलाइटिस की दिक्कत हो सकती है। सो अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमारा पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। सो सही पोस्चर क्या होता है? सही पोस्चर ये होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठे हैं, पहली बात तो आपको बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, प्रॉपर स्टडी टेबल के सामने चेयर पे बैठ के पढ़ना है। ये कुछ स्टूडेंट्स को बेड पे बैठ के पढ़ने की आदत होती है, जो कि बहुत गलत आदत है। ये लोग लेटर ऑन स्पॉन्डेलाइटिस का शिकार हो जाते हैं, इनके लोअर बैक में दिक्कत आती है, स्पाइन में दिक्कत आती है, और ऑब्वियसली जब आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी गिरता है। सो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेंटेन रखना है, पोस्चर सही रखना है, तो हमें टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ना है। तो चेयर का हमेशा मैं ये बोलूँगा कि जो बेस है वो हार्ड बेस वाली चेयर को प्रेफर करो, कभी भी ज़्यादा सॉफ्ट बेस वाली चेयर को प्रेफर मत करो, वो आपकी लोअर बैक के लिए सही नहीं है। हार्ड बेस वाली चेयर को प्रेफर करो, और जो आपका पोस्चर होगा वो इस टाइप से होगा कि जो आपके हिप्स हैं वो बिल्कुल जो आपके चेयर की बैक है उसका जो बॉटम है वहाँ टच करने चाहिए, और आपके जो बैक है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, सो डैट आप एक अटेंटिव पोजिशन में रहें और आपकी बॉडी जो है ओवरऑल एक स्ट्रेट पोजिशन में रहेगी। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि जो आपका टेबल है उसके ऊपर एक टेबल टॉप भी यूज़ कर लीजिए, और टेबल टॉप जो एंगल इंक्लिनेशन जो होता है हमारा, इंक्लिनेशन का एंगल, उसका एडजस्टमेंट भी उसमें हो सकता है। सो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सो डैट आपको कभी ज़्यादा झुकना ना पड़े, आपके नेक में प्रॉब्लम ना आए, आपको स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत ना हो। सो ये सबसे बेसिक चीज़ है जब हम फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो लेटर ऑन वी विल रिग्रेट इन आवर लाइफ। अगर हमें कोई लोअर बैक प्रॉब्लम होगी, हमें स्पाइन की प्रॉब्लम होगी, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होगी, तो हमें लेटर ऑन वो चीज़ बहुत दिक्कत देगी। सो सबसे बेसिक चीज़ हमारा राइट पोस्चर है। इसके बाद अगली जो चीज़ है जिसे हमें ध्यान में रखना है वो है हमारे आईज़। आईज़ को भी आपको बड़ा ख्याल रखना है जब आप इतनी हेक्टिक कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना सिटिंग दे रहे हो, इतनी देर देर तक पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप साफ़ पानी से दिन में 2-3 बार अपने आईज़ को वॉश करें। उसके अलावा एक अच्छे किसी ऑप्थेमोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके आप कोई एक आई ड्रॉप्स फिक्स करवाएं जो कि आप रेगुलरली डालें, सो डैट यू ऑलवेज फील फ्रेश, आपको डलनेस ना फील हो, आपको कोई आईज में इरिटेशन फील ना हो, क्योंकि इतने इतने घंटे लगातार पढ़ने से आईज पे लोड डेफिनेटली पड़ता है, तो वो हमें अपनी आईज का भी ख्याल रखना है। अब हम आएंगे फिजिकल वर्कआउट पे, जिसके लिए मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वेट कर रहे थे कि फिजिकल वर्कआउट के रिगार्डिंग क्या टिप्स होने चाहिए। सो मैं हमेशा ये एडवाइस करूंगा, फिजिकल वर्कआउट आप वो चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कभी भी किसी को देख के या किसी के कहने पे ये फिजिकल वर्कआउट मत चूज करो कि मैं जिम जाऊंगा या मैं स्विमिंग करूंगा या मैं जॉगिंग करूंगा, किसी को देख के करूंगा। आपको जो पसंद है आप वो ही चूज करो, क्योंकि आप इन लॉन्ग रन वही फिजिकल एक्टिविटी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। किसी को देख के मत करो, आपको जिस फिजिकल एक्टिविटी में मज़ा आता है वो करो। कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होगी जिसमें आपको मज़ा आता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई इंसान ऐसा है जिसको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का शौक ना हो। किसी को आउटडोर स्पोर्ट्स का शौक होता है, किसी को इंडोर स्पोर्ट्स का शौक होता है, किसी को स्विमिंग का शौक होता है, किसी को जॉगिंग का, किसी को साइकिलिंग का, किसी को जिमिंग का, जिसका भी आपको शौक है, योगा का शौक है, जो भी है उसको एक को पकड़ो, उसको रेगुलर रूटीन में आपको करना ही करना है। अब रही बात इसकी कि आप जब प्रेपरेशन कर रहे हो कि मॉर्निंग में करना है या इवनिंग करना है, इवनिंग में करना है, ये सब टोटली आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है या आपको इवनिंग में ही करना है। जब आपको कंफर्टेबल हो आप तब कर सकते हो। अपने आप को इस चीज़ के रिगार्डिंग फ्लेक्सिबल रखिए, अपने आप को इस चीज़ के रिगार्डिंग रिजिड मत रखिए कि उसने बोला कि नहीं मॉर्निंग में करना ज़्यादा बेटर है तो मैं मॉर्निंग में करूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि नहीं आपको लेट नाइट स्टडी करनी पसंद है। अगर आपको लेट नाइट स्टडी करनी पसंद है तो आप मॉर्निंग की जगह इवनिंग में अपना वर्कआउट कर सकते हैं, या जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप
फिजिकल एक्टिविटी इस टाइप की कर रहे हैं लाइक जिमिंग या कोई और फिजिकल एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं, जॉगिंग फॉर मैनी मैनी किलोमीटर्स, ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए जॉगिंग कर रहे हैं। सो इन दैट केस मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपना जो वर्कआउट है इवनिंग में रखिए, सो डैट आप उसके बाद अपनी बॉडी को ऑप्टिमम रेस्ट भी दे सकें, क्योंकि हैवी वर्कआउट के बाद बॉडी रेस्ट डिमांड करती है। अगर आप सुबह बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करोगे और उसके बाद पढ़ने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़े टाइम बाद स्लीपिनेस जो है फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ये ज़रूर है, अगर आप दिन में एक पावर नैप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। देर इज़ नो फिक्स रूल कि आपको मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में करना है। बट हाँ ये ज़रूर है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग भी कर रहा है या सेल्फ स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रहा है, सो इन दैट केस आई विल रिकमेंड कि आप कोशिश करिए कि दिन में 45 मिनट्स एटलीस्ट अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालिए, अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर निकालिए। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप साथ में कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप साथ में कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 60 मिनट्स आपको डिवोट करने चाहिए, 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स। और जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी में मैं जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा, ये मेरा वेस्ट जाएगा, तो वो थिंकिंग बहुत गलत है। आई कैन एश्योर यू कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं और उसके साथ आप अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, सो जो आप वो 8 घंटे पढ़ेंगे उसका जो नेट आउटपुट होगा वो 10, 10.5 घंटे, 11 घंटे के बराबर का आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए 10, 11 घंटे पढ़ रहे हैं और आप एक फिजिकल एक्टिविटी करके 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आई कैन एश्योर यू ये दोनों कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट बराबर लैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आप अंदर से रिफ्रेश फील करते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपका मूड भी अच्छा रहता है, तो ऑब्वियसली जब आप चीज़ें पढ़ोगे तो उसमें आपकी ग्रास्पिंग पावर भी इंप्रूव होगी। एंड सेकेंडली आपको जो आपकी एक रोज की मोनोटोनस सी रूटीन है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है, उसमें आपका ब्रेक भी आता है। ब्रेक बहुत ज़रूरी है आपकी एक मोनोटोनस रूटीन को तोड़ने के लिए। आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आप खुद को फिट फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, सोशलाइजेशन होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कट ऑफ होके पढ़ रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट भी करोगे जब 1-1.5 घंटा बाहर जाओगे। सो बहुत ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस को उसके ऊपर ध्यान रखना और उसको मेंटेन करना। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से, जिसको इग्नोर करने की वजह से स्टूडेंट्स फील करते हैं कि हमें लो फील होता है फिजिकल एक्टिविटी करके, या हमें लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हम डाउन डाउन फील कर रहे हैं, उसका जो रीज़न है वो बेसिक रीज़न ये है कि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। कभी भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस फिजिकल एक्टिविटी को करने से ज़्यादा न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है टोटल आउटपुट। सो न्यूट्रिशन अपना प्रॉपर रखिए, ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप बॉडी एक मशीनरी है, मशीनरी को आप अगर चलाओगे और उसमें फ्यूल का ध्यान नहीं रखोगे तो मशीनरी ज़्यादा देर आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो मशीनरी से एफिशिएंसी लेने के लिए, एक एफिशिएंट आउटपुट लेने के लिए आपको फ्यूल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी फ्यूल डालना पड़ेगा। आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे और वर्कआउट करोगे तो आपको कुछ टाइम के बाद बॉडी फैटीग नहीं लगेगा। ऑब्वियसली जब आप अपना वर्कआउट बढ़ाते हो इनिशियली बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ओवर द टाइम जब आप अपना न्यूट्रिशन भी अच्छा रखोगे और रेगुलरली वर्कआउट भी करोगे तो आपको बॉडी फैटीग नहीं लगेगा और इंडीड आप एनर्जेटिक फील करोगे। लाइक इन माई केस आई यूज टू वर्कआउट इन द इवनिंग, तो मैं तो इवनिंग में वर्कआउट करने के बाद अपना आके प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके पहले 2 घंटे और पढ़ता था, उसके बाद डिनर के बाद 2, 3, 4 घंटे और पढ़ता था। मेरी जो स्टडी थी लेट नाइट तक चलती होती थी, तो मैं तो जिम के बाद भी लेट नाइट तक पढ़ता था और आई नेवर यूज टू फील स्लीपी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखा हुआ था। न्यूट्रिशन प्रॉपर ज़रूरी है, और इसके अलावा जो एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है वो है प्रॉपर स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर रख रहे हो, अगर आप लेकिन 7-8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, देन ऑल्सो अगले दिन आपको लो लो फील होगा। आपको नींद भी पूरी लेनी है, आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर रखना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। इसके अलावा जो एक चीज़ और मैं एडवाइस करूँगा वो ये करूँगा कि अगर आप
एक लाइट टाइप का वर्कआउट करते हो, लाइट टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करते हो, लाइक योगा करते हो, ब्रिस्क वॉक करते हो, लाइट सी जॉगिंग करते हो, देन इन दैट केस वीक में एक दिन आप रेस्ट डे जरूर रखें उस एक्टिविटी का, सो दैट आपकी वो रूटीन से भी एक ब्रेक हो, सो दैट उसमें भी आपका इंटरेस्ट बना रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी बॉडी को रेस्ट भी जरूरी होता है, अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो आप हर चीज़ से इंसान बोर हो जाता है, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो, लाइक जिमिंग कर रहे हो, बहुत कोई बहुत ज़्यादा विग्रस जॉगिंग करते हो, तो इन दैट केस आई विल रिकमेंड हफ्ते में 2 ब्रेक लें, कि इनिशियली आप 3 दिन वर्कआउट करने के बाद 1 दिन ब्रेक ले लो, फिर 2 दिन वर्कआउट करने के बाद फिर 1 दिन ब्रेक ले लो, तो वीक में 2 दिन ब्रेक लें, क्योंकि बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है अपने रिकवरी के लिए और बेटर आउटपुट के लिए। सो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको फिजिकल एक्टिविटी का पूरा आउटपुट भी मिलेगा, आप एनर्जेटिक भी फील करोगे, आप जो पढ़ रहे हो उसका भी आपको पूरा आउटपुट मिलेगा, और इसके अलावा आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और सोशलाइज भी रहोगे और डिप्रेशन आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और एक फिट कॉम्पिटिटर बनो, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुक वर्म बन रहे हो, एक फिट ऑलराउंडर बनो। सो ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आपको कि हमें किसी भी प्रोफेशन में जाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन इन विच वी आर प्लानिंग टू एंटर, हमें एज अ फिट इंडिविजुअल जाना है उसमें। हम एक एक इंसान अगर फिट अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली हमारा पूरा कंट्री फिट इंडिया बन जाएगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, जो भी मैंने टिप्स दी हैं प्लीज़ उनको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। सो आई विल मीट यू अगेन वेरी शॉर्टली विद अनदर इंटरेस्टिंग सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।